दोस्तों आज की कहानी है बहु बुखार है या बीमारी का बहाना बना रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह से सिर दर्द से फटा जा रहा था, शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था जैसे बुखार ही आ गया हो। बुखार, अरे नहीं नहीं ऐसे बुखार कैसे आ सकता है, अभी तो पूरे घर के काम ऐसे कि ऐसे ही पड़े हैं, अभी तो बहुत से काम बाकी हैं, अगर अभी बुखार आ गया तो काम कैसे होगा। अगर घर में सबको पता चल गया कि मुझे बुखार है तो घर में तो भूसाल ही आ जाएगा। आखिर घर में इकलौती कार्यकर्ता मैं ही तो हूँ, बाकी तो सारे उसी पोस्ट पर बैठे लोग हैं जिनका काम ही ऑर्डर करना, पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो काम करने की हिम्मत कैसे करूँ। काम की स्पीड को देखकर सासू माँ ने आखिर टोक ही दिया, क्या हुआ बहू आज बड़ी धीरे धीरे काम कर रही है, अभी तक तो नाश्ता तैयार नहीं हुआ। तुझे पता है ना संडे के दिन तो सब लोग नाश्ता साथ ही करते हैं, जरा जल्दी कर। जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखा, फिर घर में सबको बताना भी तो पड़ता है कि नाश्ता तैयार हो गया आकर खा लो। धीरे धीरे अपने कमरों में से सासू माँ देवर अमन नना सुपरिया पति राजन और बेटा वंश निकल कर बाहर आए। नाश्ते को देखकर सबके मुंह बन गए और टिप्पणी शुरू हो गई, अरे ये क्या पोहे सिर्फ ये बनाया तुमने, आज संडे के दिन तो कम से कम कोई ढंग का नाश्ता बना लिया करो, रोज तो यही सब खाते हैं, एक संडे का तो इंतजार होता है कि कुछ ढंग का बनेगा, उसमें भी तुम घास काट देती हो, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद बुखार है, शायद सैर किया था ना, बहाना कर रही हो। नहीं सैर तो नहीं किया, पर क्या रात भर मोबाइल में लगे रहती हो, नींद पूरी होगी कहाँ से, इस कारण से शरीर टूटता है और कुछ नहीं। सासू माँ ने तो बीमारी का सारा कष्ट मार्टम ही कर दिया, वैसे भी मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो उसके पीछे उनके अनुसार मोबाइल ही तो कारण होता। सब लोग नाक बहुत सिकोड़ कर नाश्ता करने लगे, मैं भी नाश्ता करने बैठी ही थी कि इतने में सासू माँ ने पूछ लिया दोपहर के खाने का क्या है, कम से कम उसमें तो कुछ ढंग का बना लेना। जी इतना कहकर एक समस पुआ मुँह में डाला ही था कि उल्टी आने लगी, आखिर में उठकर वहाँ से वॉशरूम में चली गई। वहाँ से निकलते समय सोचा कि एक बार सेक कर लेना सही है, इसीलिए थर्मामीटर लेकर सेक किया, सच में बुखार था। जैसे ही घर में सबको पता चला सबसे पहले हड़बड़ाहट में भी सासू माँ ने ही दिखाई, अरे राजन जल्दी से इसे दवाई दे ताकि आराम आ जाए। मम्मी राजन जी ने अपनी मम्मी की आज्ञा अनुसार मुझे दवा दे दी। दवाई लिए अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सासू माँ ने आकर पूछा, बहू अब कैसा लग रहा है, अभी तो दवाई ली है, हाँ फिर भी अब तो ठीक लग रहा होगा, सुब रह गई, कोई पहली बार तो है नहीं, मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ दवाई लेते ही मुझे से पूछना शुरू हो जाता है, बहू अब तो तुम ठीक हो, कई बार तो जवाब देने के ऐसा भी नहीं होती, पर उससे भी शिकायतें है, कुछ बोलती भी नहीं, भला मैं कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं, अब कौन समझे कि दवा लेते ही मैं एकदम ठीक कैसे हो जाऊंगी, जबकि ये लोग बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। कई बार राजन जी से इस बारे में बात की
तो उन्होंने कहा कि मम्मी को तुम्हारी चिंता है, इसलिए वह तुमसे बार बार पूछती है। अभी श्रवण कुमार को कौन समझे कि बीमार शरीर आराम साथ आखिर आधे घंटे में तीसरी बार सासू माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बहू अब तो तुम ठीक हो, उन्हें बार बार जवाब देने से बेहतर मैंने उठना ही समझा। सुबह शाम रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मुझे काम करता देख सासू माँ को तसली हो गई कि मैं ठीक हो गई हूँ। अक्सर यही होता था मेरे साथ, इसका कोई तो समाधान नजर नहीं आता मुझे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जिस घर में पूरी जिंदगी बितानी है वहाँ कब तक अकेले परेशान होती रहूं। इसीलिए सोच लिया कि भैया सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद सासू माँ बीमार हुई और मैं पहुंच गई सासू माँ के पास। दवाई लेकर सासू माँ को दवाई दी और उनके सिर को सहलाने लगी। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि मैंने सासू माँ से पूछा, अब तो आप ठीक है ना मम्मी जी? नहीं, उन्होंने बस इतना सा जवाब दिया था। मुझे पता चला कि इतना छोटा सा भी जवाब होता है हाय, मैं भी तो दे सकती थी। खैर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अगले 5 मिनट बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक है ना? अब की बार मम्मी जी थोड़ा सा जलाई, अरे अभी तो दवाई ली है, ठीक है। मैं अब सासू माँ के पैर दबाने लगी, देखा तो सासू माँ को झपकी आने लगी। मैंने उन्हें जगा कर पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक है? बहू तू सैन से सोने दे, मुझे थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक लगेगा। मैं फिर सुप हो गई। अभी 15 मिनट ही बीते थे कि फिर मैंने सासू माँ को जगा कर पूछा, मम्मी जी अब तो ठीक है ना? अब की बार वो जोर से सिलाई, ये क्या है बहू, क्यों परेशान कर रही है मुझे? ऐसे कोई किसी बीमार इंसान को परेशान करता है क्या? मम्मी जी के सिलाने की आवाज़ सुनकर राजन जी सासू माँ के, क्या हुआ मम्मी आप ऐसे सिला क्यों रही हो? राजन जी ने पूछा, मुझसे क्या पूछ रहा है, अपनी पत्नी से पूछ, परेशान करके रख दिया है। आधे घंटे में 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मी जी आप ठीक हो? मम्मी जी आप ठीक हो? आराम तक नहीं करने दे रही मुझे, तो मम्मी को आराम करने क्यों नहीं दे रही हो? परेशान क्यों कर रही हूँ? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मुझे मम्मी जी की चिंता है इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। बहू ये क्या तमाशा है, तेरी चिंता के चक्कर में मैं परेशान हो रही हूँ ना? अच्छा पर ये तो आपका ही तरीका है मम्मी, तो हर 10-15 मिनट में मुझसे पूछती रहती हो ना कि बहू अब तो तुम ठीक हो, बहू अब तो तुम ठीक हो? तो मुझे लगा शायद आपको ऐसा ही अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। आखिर मैं भी तो आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हो। मेरी बात सुनकर राजन जी मद मुस्कुराने लगे, समझ गए कि आज उनकी पत्नी जैसे को तैसा करने के मूड में है। इतने में सासू माँ बोली, गलती हो गई मेरी माँ, जो मैंने तेरी चिंता की, भगवान के लिए तू मेरी चिंता मत कर और मुझे आराम करने दे। पर मम्मी जी सुख एक शब्द मत बोलना, निकल मेरे कमरे के बाहर और सोने दे मुझे, जैसा आप ठीक समझे, कहकर मैं बाहर आ गई। पर वह दिन है और आज का दिन है, जब भी मैं बीमार पड़ती सासू माँ मेरी उतनी चिंता नहीं करती, उन्हें पता है कि थोड़ा आराम करने पर मैं ठीक हो जाऊंगी।